सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नो नॉलेज विद शिवम को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है टेक्नो नॉलेज विद शिवम। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल रिव्यू ऑफ इंटेक्स एक्वा लाइंस 2। तो आप देख रहे हैं टेक्नो नॉलेज विद शिवम, मैं हूँ शिवम चौधरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले की। तो आपको इसमें 5 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है जिसका रिजोल्यूशन है 720p जो कि बहुत बढ़िया है। और फ्रेंड्स इस डिस्प्ले की एक खास बात मैं आपको बता दूं, इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं आप इधर से देखिए और अब राइट से आपको दिखलाता हूँ और यहाँ से, तो आपको इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो एकदम क्लियर आपको मिल जाते हैं। और इसकी जो स्क्रीन है वो बहुत ब्राइट है जिसको आप तेज धूप में भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स आपको आपके सारे टेक्स्ट एकदम क्लियर दिखेंगे। तो अभी मैं आपको इसकी ब्राइटनेस थोड़ी तेज करके दिखलाता हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन एकदम कितनी ब्राइट हो चुकी है। और एकदम फिर से कम कर देता हूँ। और फ्रेंड्स इसकी जो डिस्प्ले है इस पर 2.5D कवर ग्लास नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसके साथ एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्क्रैच गार्ड दे रखा है जो कि बहुत बढ़िया है। और मैं आपको इस फ़ोन की फिज़िकल ओवरव्यू करवाता हूँ। तो अगर इसके बैक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और एक LED फ्लैश। यहाँ पे आपको इंटेक्स का एक ब्रांडिंग दिखती है और यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया तरीके का डिज़ाइन दिखता है जो कि देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और नीचे आपको मिलता है आपका लाउड स्पीकर। और फ्रेंड्स बात करें इसके लेफ्ट साइड की तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ नहीं मिलता है। बात करें इसके राइट साइड की तो आपको मैं राइट साइड में दिखला देता हूँ। ये आप देख सकते हैं आपको ये वॉल्यूम रॉकर बटन्स दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको नीचे ये पावर बटन दिख रहा होगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है। और इसके नीचे की अगर बात करें तो नीचे आपको माइक्रो USB केबल का एक पोर्ट मिल जाता है जो आप चार्जिंग के लिए और डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना माइक मिल जाता है। और बात करें इसके फ्रंट की तो आपको यहाँ फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का ये कैमरा मिलता है, यहाँ पे आपको माइक मिलता है और नीचे यहाँ पे आपको नेविगेशन बार मिलते हैं जो कि लाइट अप नहीं होते हैं तो आपको इसको अंधेरे में यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको इसका बैक कवर खोल के दिखलाना चाहता हूँ आप को। मैं रुकिए, ये मैंने इसका बैक कवर खोल दिया। आप यहाँ पे मैं आपको दिखलाता हूँ, यहाँ पे आपको मिलती है आपकी 2400mAh की बैटरी, यहाँ पे आपको मिलता है SIM2 का स्लॉट, यहाँ SIM1 का स्लॉट और यहाँ पे आपको एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का भी एक स्लॉट मिलता है। और फ्रेंड्स अब इसकी एक्सपेंडेबल मेमोरी तो है 64GB जो कि बढ़िया बात है। और उसकी आपको इंटरनल मेमोरी मिलती है 8GB। 8GB में से लगभग आपको 4.22GB यूजेबल है। और इसका रैम बताएं तो मैं इसका रैम बता देता हूँ। इसका रैम जो है वो है 1GB का। 1GB में से आपको लगभग 600 से ज़्यादा रैम आपको खाली मिल जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें आप मीडियम क्वालिटी के गेम खेल सकते हैं जैसे कि हो गया टेंपल रन, सबवे सफ़र, टेकन 3, ऐसे गेम्स आप इसमें खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें हाई क्वालिटी के गेम खेलते हैं तो ये फ्रेंड्स ये फ़ोन थोड़ा लैग ज़रूर करेगा। बात करें अगर इसके हम कैमरा क्वालिटी की
तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं, ये है इसका बैक कैमरा। बैक कैमरा में आपको एक बहुत ही बढ़िया एलईडी फ्लैश मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। रुकिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको इधर से इसका दिखलाना चाहता हूँ इसका फ्लैश कितना ब्राइट है। देख सकते हैं बहुत ब्राइट है इसका फ्लैश। मैं आपको इसका फोकसिंग दिखलाना चाहता हूँ। देख सकते हैं इसका फोकसिंग भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों आपको बैक कैमरा में यहाँ पे HDR मोड भी मिल जाएगा, फ्लैश का ऑप्शन भी मिल जाएगा, फेस डिटेक्शन का ऑप्शन, स्माइल शटर का ऑप्शन, और अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड को स्लाइड करते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही कमाल कमाल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं ऑटो, मैनुअल, बस, DIF मोड, सीन, पैनोरमा, फ्रेम, ऑडियो पिक्चर, और आपको यहाँ पे QR कोड स्कैनर भी मिल जाता है जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए आपको कोई अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं से अपना कोई भी कोड को स्कैन कर सकते हैं। और एक इसकी जो ये फ्रेम वाला है ये मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, देख सकते हैं, रुकिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये जो पिक्चर है इसमें एक फ्रेम आ चुका है। ये देखिए यहाँ अलग अलग तरीके के फ्रेम है। तो ये जो फ्रेंड्स ये बात है ये बहुत बढ़िया है। चलिए देख लेते हैं इसके बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा से खींची हुई कुछ फोटोज़ को। फ्रेंड्स ये है इसके फ्रंट कैमरा से खींची गई फ़ोटो जो कि आप देख सकते हैं एकदम क्लियर आई है, और ये इसके बैक कैमरा से खींची हुई फ़ोटो जो आप देख सकते हैं ये भी बहुत बढ़िया है, और ये इसके मैंने बैक कैमरा से ब्यूटी मोड में करके ये फ़ोटो खींची है। और इधर दिखलाता हूँ, ये डे लाइट में मैंने मोबाइल की फ़ोटो खींची है, और ये है मेरे पापा के लैपटॉप की फ़ोटो जो कि बहुत क्लियर आई है, और ये आप देख सकते हैं कुछ मोबाइल के बॉक्स की मैंने ये फ़ोटो खींची है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी तो भी कम नहीं हुई, आपको सारे टेक्स्ट साफ से दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स ये मैंने अपने फ्रंट फ्लैश सॉरी बैक फ्लैश से ये मैंने ये फ़ोटो खींची है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ आप देख सकते हैं ये जो घड़ी है इसकी क्वालिटी कितनी साफ से आपको पता चल रही है। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी फ़ोटो, चलिए अब इसकी वीडियोस आपको दिखलाता हूँ। ये वीडियो मैं 720p रिजोल्यूशन में कर रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं एकदम क्लियर है ये वीडियो। ये मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है पत्तों का शॉट। तो इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है, 720p रिजोल्यूशन में आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि बढ़िया है। और इसके फ्रंट फ्लैश की अगर हम बात करें, हाय फ्रेंड्स ये है इसके फ्रंट कैमरा की क्वालिटी जो कि 480p में रिकॉर्ड कर रहा है जो कि बहुत बढ़िया लगा मेरे को, आप देख सकते हैं एकदम क्लियर है ये इसकी रिकॉर्डिंग। दोस्तों आपको इसमें एंड्रॉयड का वर्जन, आपको एंड्रॉयड 7 यहाँ पे मिलता है यानी कि नोगेट, जो कि बहुत बढ़िया बात है। इस प्राइस रेंज में आपको नोगेट मिल रहा है ये बहुत हैरानी की बात है। अभी तक काफ़ी कंपनियाँ हैं जो अपने फ़ोन्स में अभी नोगेट को अपडेट नहीं कर पाई है, पर इंटेक्स एक्वा लाइंस 2 में आपको मिलता है नोगेट का सपोर्ट। इसमें कुछ नोगेट के अलग फीचर्स भी हैं जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने यूट्यूब लगाया, और आप बैक हो गए, फिर मान लीजिए आपने सेटिंग लगाया, फिर आप बैक हो गए, और अगर आपको ये दोनों एप्लीकेशन साथ में चलानी है तो मैं आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक दिखलाता हूँ। ये जो पेज है इसको ड्रैग करके ऊपर करिए, बस यहाँ पे सेट हो गया, और इसको दबा दीजिए। अब फ्रेंड्स आप इसको एक कमाल की चीज़ को आप देख सकते हैं, कैसे आप सेटिंग को भी यूज़ करते करते आप अपनी यूट्यूब से कोई अगर आपकी वीडियोज़ हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छा फीचर मेरे को लगा। इसमें आपको लाइट सेंसर, प्रॉक्सीमेटली सेंसर
और एक्सेलेरोमीटर, ये दोनों मिल जाते, ये तीनों मिल जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम इसकी बैटरी की, तो इस फ़ोन के अंदर आपको लगभग 2400 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको आराम से एक दिन का बैकअप दे देती है। और दोस्तों इसको चार्ज होने में मेरे को लगे करीबन 2 घंटे, लेकिन फ्रेंड्स फुल चार्ज के बाद मेरे को मिला 8 से लगभग 10 घंटे का नॉन स्टॉप मॉडरेट, जो कि मैंने खुद यूज़ कर कर देखा है। कैसा लगा आपको ये फ़ोन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी खास वीडियोस लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स अभी मैंने इस चैनल को शुरू ही करा है, तो मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर इस फ़ोन के बारे में कोई भी आपके लिए क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसी खास वीडियो देखने के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। गुड बाय।